मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मिनरल्स आपने बचपन में पढ़ा होगा कि व्हाट इज मिनरल्स, व्हाट इज विटामिंस। तो मिनरल्स क्या है कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं, मोस्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा पार्ट करते हैं। विटामिन की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो ये लोग बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्ट करते हैं और बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस करते हैं। ओके, अब इसको हम लोग जानेंगे कि क्या क्या काम करते हैं। तो सभी मिनरल्स के अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, उनके वर्क डिफाइंड है कि ये सब काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैल्सियम की बात करें तो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन करते हैं, बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वैसे अलग दूसरे मिनरल्स की बात करें तो वो भी अलग अलग काम करते हैं। तो वैसे ही अभी हम लोग सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी कैल्सिफिकेशन का काम हो रहा है या न्यूरो ट्रांसमिटिंग मीटर्स में जो भी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज हो रहे हैं वहां पे बेसिकली मिनरल्स का वर्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों में क्वेश्चन रहता है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स बेसिकली एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों एक है, तो बट यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या अलग है। तो यहाँ पे एक कॉम्पेरिजन चार्ट दिया हुआ है। जैसे कि केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो विटामिन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मिनरल्स क्या होता है कि जनरली हमको बहुत बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, जो पानी हम पीते हैं उसमें मिला होता है, कुछ खाने में मिला होता है। तो बेसिकली अगर मेन सोर्सेस पे जाएंगे तो सॉइल और रॉक है, और विटामिन के मेन सोर्सेस प्लांट और एनिमल होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो विटामिन है उसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई तरह केमिकल एजेंट से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट मिनरल्स जो है ये टॉलरेबल है, ये कभी भी हीट, सनलाइट, केमिकल रिएक्शन से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है कि न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होता है वो सारी विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये सारी मिनरल्स के लिए सही नहीं है। हमारे लिए जरूरी नहीं कि सारे मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अब हम क्लासिफिकेशन में आते हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसको बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए और एक जो कम अमाउंट में चाहिए। अब आपको लगेगा कि मिनरल्स तो वैसे ही हमको माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होता है, अब ज्यादा और कम क्या होगा। हाँ, मिनरल्स और विटामिन हमेशा हमको कम अमाउंट में चाहिए रेस्पेक्टिव टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, बट अगर उसमें भी जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं और जो कम अमाउंट में चाहिए वो हमारे माइक्रो अमाउंट मिनरल्स हैं। अब ये माइक्रो और यहाँ पे एक का फर्क है। तो मैक्रो जो होता है वो हमको 100 mg पर डे से ज्यादा चाहिए और माइक्रो 100 mg पर डे से कम चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे कैल्सियम हो गया, फॉस्फोरस, सोडियम, तो ये सब हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, सो इट इज मैक्रो मिनरल्स। और जो कम अमाउंट में चाहिए वो सब हमको जैसे कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, आयोडीन, तो ये सब हमको कम अमाउंट में चाहिए, सो इट इज माइक्रो एलिमेंट्स। अब इसका फंक्शंस क्या है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शंस है, कुछ एग्जांपल दिया गया है। तो जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ ब्लड को मेंटेन करना हो तो वो कौन मेंटेन करता है? सोडियम आयन मेंटेन करता है, कैल्सियम आयन मेंटेन करता है, क्लोरीन आयन मेंटेन करता है, तो उसके लिए हमको चाहिए। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में चाहिए तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, और हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? हीम ग्रुप, दैट इज आयरन वहां पे प्रेजेंट होता है। टिश्यू और बोन को मेंटेनेंस करना हो तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन सही से हो कैल्शियम आयन से होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन है तो कैल्शियम आयन की वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है तो एन ए प्लस के प्लस के कारण होता है, एसिड बेस बैलेंस करना हो तो ये सब हमारे मिनरल्स का अहम रोल है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेली रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ेंगे, उसके मेन फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली कैल्शियम, कैल्शियम सभी लोग जानते हैं, कैल्शियम जनरली हम जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है और दूसरा लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन जो होता है सारा एब्जॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एक्सक्रीशन,
बेसिकली या तो यूरिन के द्वारा होगा या फिसेस के द्वारा होगा। तो यहाँ पे फिसेस से सबसे ज्यादा होता है स्टूल के फॉर्म में, और यूरिन के फॉर्म में थोड़ा बहुत होता है। रिक्वायरमेंट का बात करेंगे तो एडल्ट वुमेन में 800 mg पर डे चाहिए, चिल्ड्रन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में 800 से 1200 mg चाहिए होता है। अब इसका फंक्शंस क्या है, तो बेसिकली कैल्सिफिकेशंस करना, बोन का मेंटेन करना, टूथ का मेंटेन करना, ब्लड क्लॉटिंग में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में। तो यहाँ पे ये सब इसका फंक्शन है। बेसिकली यही समझिए कि जो कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हमको एक और चीज पढ़ना है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो दो चीज हो सकता है, एक हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज होता है कि इतना से इतना बीज होना चाहिए, वो जो लोअर लिमिट होता है अगर उसको क्रॉस कर गया, इसका मतलब है कि हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, उस वजह से बीमारी होगा। ज्यादा सिक्रेशन होगा, अपर लिमिट को क्रॉस कर गया, तो ज्यादा सिक्रेशन के कारण, हाइपर सिक्रेशन के कारण बीमारी होगा। तो दो तो बेसिकली सभी में होगा, हाइपोसिक्रेशन के कारण और दूसरा हाइपर सिक्रेशन के कारण। तो पहला है रिकेट्स, बीमारी होगा किसमें, तो रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस, ये दोनों बोन्स का बीमारी है। रिकेट्स बेसिकली बच्चों में होता है जब हमका कैल्शियम नहीं बन पाता, बोन कैल्सीफाइड नहीं हो पाता कैल्शियम की कमी के कारण या विटामिन डी की कमी के कारण, तो वो रिकेट्स कहलाता है। दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो बड़े लोगों में होता है, वहां पे भी उनका बोन काफी वीक हो जाता है, तुरंत तुरंत टूटने लग जाता है। उसके होता है हाइपोकैल्सीमिया। तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज जो एक बॉडी में होना चाहिए वो है 2.1 to 2.6 mmol/L कैल्सियम का हमारे बॉडी में होना चाहिए। अगर ये जो लोअर लिमिट है इससे जैसे कम हो गया, दैट मीन्स हाइपोकैल्सीमिया, हमारे बॉडी में कैल्सियम की कमी हो गई है, एवरेज से कम है, तो वो एक बीमारी है। हाइपर कैल्सीमिया अगर 2.6 से ज्यादा हो गया, दैट इज हाइपर कैल्सीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टिटेनी। टिटेनी में क्या होता है कि लो कैल्शियम के कारण हमारे बॉडी में स्पाज होने लग जाता है, जनरली फिट्स में, हमारे हाथ में, हमारे पाँव में, तो उसको हम लोग टिटेनी बोलते हैं। नेक्स्ट जो मिनरल्स है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कैल्शियम लगभग एक जैसा है, एक जैसा काम भी करता है बेसिकली, तो दोनों का सोर्सेस लगभग सेम है, दोनों का फंक्शंस लगभग सेम है। तो फॉस्फोरस एज लाइक कैल्सियम, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे इसका क्या क्या काम होगा, तो बेसिकली फॉस्फोरस जो होता है वो भी मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, एज लाइक कैल्सियम, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। एक्सक्रीशन इसका थोड़ा अलग है, ये यूरिन में मोस्टली एक्सक्रीट आउट होते हैं। फंक्शंस एज लाइक कैल्सियम है कि बोन, टूथ, फॉस्फोलिपिड्स में इसका यूज होता है। उसके बाद जितने भी फॉस्फोराइजेशन होना है हमारे बॉडी में, जितनी भी बायो केमिकल्स में या फिर हमारे मेटाबॉलिज्म में फॉस्फोराइजेशन रिएक्शन होना है, वहां पे ये फॉस्फोरस ये वहां पे जाके काम करता है। तो ये कोएंजाइम्स के रूप में काम करता है, जैसे एडीपी के रूप में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है वहां पे फॉस्फोरस जाके काम कर रहा है। अब इसके डिसऑर्डर्स क्या होंगे, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि ये तो हाइपर, ज्यादा अमाउंट्स में सिक्रेशन हो गया, तो बहुत ज्यादा फॉस्फेट लेवल हमारे बॉडी में बढ़ गया, या फिर कम फॉस्फेट लेवल होगा हमारे बॉडी में, तो इन दोनों के कारण बीमारी हो सकता है। दूसरा दो बीमारी सेम है, विटामिन डी एंड विटामिन कैल्सियम के कारण, दैट इज रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट मिनरल्स है हमारा सोडियम। तो सोडियम क्या है, कुक्ड फूड में या सॉल्टेड फूड में, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो हमारे क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो वहां पे भी सोडियम हमको मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड से भी सोडियम अमाउंट मिल रहा है हमको, ब्रेड, चीज, यहाँ पे भी। उसके बाद अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल में कितना है, 5 से 15 ग्राम पर डे। और अगर हाइपर टेंशन है तो उस केस में क्या करते हैं कि हम सोडियम इनटेक कम कर देते हैं, तो 1 ग्राम पर डे। अगर डिजीज कंडीशन है देन 1 ग्राम पर डे। तो अब इसका भी अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, बेसिकली आपको उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेनली फंक्शन है और रिक्वायरमेंट और सोर्सेस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शंस
यहाँ पे क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से फंक्शंस कर रहा है, दूसरा फंक्शंस क्या है कि वाटर रिटेनिंग में आपके बॉडी में वाटर बना रहे हैं, उसमें उसका मेन फंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्टिविटी में है, एसिड बेस बैलेंस में है, तो ये सब इसका मेन फंक्शंस होता है। डिसऑर्डर्स यहाँ पे भी क्या होगा कि ज्यादा हो अमाउंट के लिए और कम अमाउंट के लिए, तो अगर कम अमाउंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम को, ऐसे हम लोग लैटिन वर्ड में नेट्रियम बोलते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया, और अगर ज्यादा हो गया तो हाइपर नेट्रेमिया। सोडियम की ज्यादा वजह से दूसरे बीमारी जो होते हैं वो है हाइपर टेंशन, वाटर टेंशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो मे बी काउस एडिमा, लिपीमिया, एनीमिया, ये सब काउस कर सकते हैं। और नेक्स्ट मिनरल इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जितने भी तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सोयाबीन है, वहां पे मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसके रिक्वायरमेंट्स हमारे बॉडी के लिए 300 to 350 mg पर नेचर। अब ये मैग्नीशियम क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, तो बेसिकली ये हमारे जितने भी तरह के स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, स्केलेटन सिस्टम, वहां पे पाया जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए पाया जाता है, दूसरे कैटायंस को जाने के लिए पाया जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में, नर्व इम्पल्स में, कंडक्शंस में, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल काम करता है। उसका डिसऑर्डर्स क्या हो सकता है, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण बेसिकली मसल ट्विचिंग, कन्वल्सम या कार्डिक एरिथमिया हो सकता है। कार्डिक एरिथमिया इज नथिंग बट क्या होता है कि इरेगुलर हो जाता है हमारा बीपी, या तो ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा या टैचीकार्डिया हो जाएगा। तो ब्रैडीकार्डिया में हमारा बीपी लो हो जाता है, टैचीकार्डिया में हमारा बीपी हाई हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। तो पोटेशियम का भी सोर्सेज आपको याद करने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स इसका 4 ग्राम पर डे है। एक्सक्रीशन इज मेनली इन यूरिन। इसके भी फंक्शंस क्या है, एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए, कार्डिक फंक्शन के लिए चाहिए, कोई चीज के को फैक्टर के रूप में चाहिए, एंजाइम के को फैक्टर के रूप में चाहिए, या हमारा अगर बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया, हाइपोकैल्शिमिया का कंडीशन आ गया, तो उसमें फॉस्फोरस क्या करता है, उसको यूटिलाइज कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इसका डिसऑर्डर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर फॉस्फोरस जनरेटेड है हमारे ब्लड में, तो उसको हम लोग हाइपर कैलेमिया बोलते हैं, और नहीं तो हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सल्फर। तो सल्फर भी वेजिटेबल्स, फूड, नट्स, फ्रूट्स में पाया जाता है। अब ये जो सल्फर है, सल्फर बेसिकली इसका जो फंक्शन है, ये क्या करता है कि इंसुलिन और बाइल सॉल्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, या कॉन्ड्रोइटिन या हेपरिन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो बेसिकली इन सभी का वर्क फंक्शनिंग सही से हो तो सल्फर वहां पे काम करता है, कि इंसुलिन सही से बने, बाइल सॉल्ट अपना काम सही से करे, तो वहां पे सल्फर का काम होता है। तो इसकी कमी के कारण क्या होता है, हीमोसिस्टिनुरिया, जहाँ पे हमारे बॉडी में क्या होता है कि सल्फर की कमी के कारण जो है एक साइथिनिन बीटा सिंथेटेस नाम का एक एंजाइम है जो सही से काम नहीं कर पाता। इस वजह से हमारा क्या होता है कि मसल और स्केलेटन में इंफ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पढ़े। तो सोडियम वाला पार्ट हमने पहले पढ़ लिया, क्लोराइड। तो क्लोराइड भी हमारे टेबल सॉल्ट के फॉर्म में आता है, या डाइट में ग्रीन गैस के फॉर्म में आता है। अब इसका रिक्वायरमेंट हमको 5 ग्राम पर डे चाहिए। तो इसके भी फंक्शंस क्या है, क्लोराइड है सीएल माइनस, तो बेसिकली एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, एचसीएल के सिक्रेशंस में हेल्प करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद क्या करता है कि वॉल्यूम मेंटेन करता है प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का। तो अब ये भी क्या है कि नॉर्मल रेंज हमारा 96 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चाहिए होगा, तो अब इससे कम हो गया तो हाइपोक्लोरेमिया, और इससे ज्यादा हो गया तो हाइपरक्लोरेमिया। कोई भी चीज ज्यादा या कम हुआ तो सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशन दिखाएंगे। बट एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक टाइप के बीमारी नहीं होते। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कम अमाउंट में चाहिए, 100 mg से कम अमाउंट में चाहिए। तो फर्स्ट वन इज आयरन। तो आयरन का ये सब हमारे सोर्सेज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरे रिक्वायरमेंट हमको कितना चाहिए, तो बेसिकली नॉर्मल आदमी में 10 mg पर डे, बट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो आयरन मेंटेन करना होता है, आयरन लॉस होने लग जाता है, तो उस केसेस में 18 mg पर डे। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन, बच्चों के लिए फोलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है, सो 30 mg पर डे। अब इसका फंक्शन क्या है,
तो हमारे आरबीसी के लिए चाहिए, हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशंस के लिए चाहिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए चाहिए, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के फॉर्मेशंस के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए चाहिए। तो आयरन का ये सब यूजेस हैं। दूसरा, इसके डिसऑर्डर्स में एनेमिया हो सकता है या एनेमिया रिलेटेड कोई भी बीमारी, ब्लड रिलेटेड बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन का सोर्स हमारे आजकल आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, तो आयोडाइजेबल सॉल्ट। दूसरा, आयोडीन हमको सबसे ज्यादा सी फूड से मिलता है, तो सी से जो भी हम लेते हैं, समुद्री कुछ भी चीज हम खाते हैं, तो वहां से हमको आयोडीन का सोर्स मिलता है। इसका भी रिक्वायरमेंट हमको काफी कम है, हमारी बॉडी में 100 to 150 माइक्रोग्राम पर डे, बहुत ज्यादा कम है। बट आयोडीन क्या है, हमारे थायराइड हॉर्मोन्स के सिक्रेशंस के लिए बहुत जरूरी है। सो T3 T4 के सिक्रेशंस के लिए आयोडीन का बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इनफ्लेम्ड हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण गॉइटर होता है। नेक्स्ट है हमारा जिंक। तो जिंक बेसिकली हमको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, 10 to 20 mg पर डे। तो जिंक का रोल बहुत ज्यादा है, वो हमारे रिप्रोडक्शन में काम देता है, स्पर्म मैचुरेशन में काम देता है, कुंड रिपेयर ये सब में बहुत। हालांकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बट इसका यूजेस जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। इंसुलिन के रिलीज में काम करता है, विटामिन ए सही से मोबिलाइज हमारी बॉडी में वहां पे काम करता है, तो इसके यूजेस बहुत एसेंशियल है हमारे बॉडी में। और डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, हमको भूख नहीं लग सकता, हमारे ग्रोथ रुक जाएंगे, स्पर्म का मैचुरेशन नहीं होगा, लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या है कि एक चार्ट बना है, हालांकि हम सारा पढ़ लिए, जिसमें कि क्या है कि नाम दिया गया है और सोर्सेज दिया गया है। तो ये बेसिकली आपको याद करने के लिए दिया गया है, जैसे सोडियम है तो सोडियम हमको क्यों चाहिए, ब्लड बैलेंस के लिए चाहिए, नॉर्मल ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए चाहिए, और ये सब सारे सोर्सेज हैं। तो ये एक चार्ट मैंने दिया है जो आपको याद करना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपके कंटेंट को इजी बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे।